अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनल साइकिलिस्ट और कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर गुलाम रसूल बलोच, जो कि एक इंटरनेशनल साइकिलिस्ट भी हैं और कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है साइकिलिंग के हवाले से, कि साइकिलिंग के बेसिक क्या हैं, उनके बुनियादी चीज़ें क्या हैं, कैसे साइकिल चलाया जाता है, किस किस टाइप के साइकिल होते हैं और साइकिल्स की प्राइजेस क्या हैं, कितने कहाँ से स्टार्ट होती है उनकी प्राइस, कहाँ तक चली जाती है। ये करते हैं कि आपने अपना टाइम दिया हमें, और आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं कि आपने साइकिलिंग कैसे स्टार्ट की, कब स्टार्ट की और कहाँ कहाँ आपने जो है टूर्नामेंट खेले, कितने टूर्नामेंट खेले, कितने टूर्स आपने किए इंटरनेशनल नेशनल, इन चीज़ों के बारे में आप हमारे सारा व्यूअर्स को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गुलाम रसूल है और पाकिस्तान का इंटरनेशनल साइकिलिस्ट हूँ और मौजूदा कराची डिवीज़न का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ। मैंने इंटरनेशनल टूर्स 3-4 किए हैं बाहर मुल्क के, और इंटरनेशनल टूर ही पाकिस्तान भी मैंने चलाई है। नेशनल इंटरनेशनल डोमेस्टिक इवेंट के बहुत सारे इवेंट्स मैंने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किए हैं और जीते भी हैं। तो आपने कितने टूर, इंटरनेशनल टूर कौन कौन से किए? इंटरनेशनल टूर मैंने किए ईरान किया है, इंटरनेशनल टूर ही पाकिस्तान मैंने चलाई है, जर्मनी की टीम और न्यूजीलैंड और ईरान और अफगानिस्तान की टीमें आई। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, साइकिल के प्राइस के बारे में आप ज़रा बताएं, क्योंकि कहाँ कितने साइकिल से स्टार्ट होती है प्राइस से और कहाँ तक जाती है, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा था कि एक पाकिस्तानी बंदे ने 24 लाख रुपये की साइकिल ली थी। तो इतनी महंगी भी साइकिल होती है? बिल्कुल होती है। साइकिलों के भी 4 एक्साम होते हैं, इनके 4 कैटेगरीज होते हैं, आयरन के होते हैं, टाइटेनियम के होते हैं, सिल्वर के होते हैं और कार्बन के होते हैं। जो बिगनर होते हैं उनको आयरन या टाइटेनियम के दिए जाते हैं, जो प्रोफेशनल साइकिलर की तरफ आना चाहते हैं उनको कार्बन या सिल्वर के साइकिल दिए जाते हैं। अच्छा, सबसे सस्ती आयरन है जी? बिल्कुल। सबसे महंगी कार्बन है जी? बिल्कुल। आयरन, आयरन के बाद टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद सिल्वर, टाइटेनियम के बाद सिल्वर और सिल्वर के बाद कार्बन, कार्बन आ जाए। अच्छा, जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट होते हैं वो कार्बन के साइकिल? बिल्कुल। क्या बात होती है, क्या चीज़ होती है कार्बन के साइकिल में? जो कार्बन के साइकिल बिल्कुल हल्की होती है और उनके पार्ट्स और उनके जो इक्विपमेंट में लगी होती है, व्हील्स वगैरह फुल एंड फुल कार्बन के होते हैं, वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जब वो 100 किलोमीटर से ऊपर जब आप राइड करते हो वो बिल्कुल आपको थकाती नहीं, आपको थकावट नहीं होती है, आप फ्रेश महसूस करते हो। क्या वेट होती है कार्बन, प्रोफेशनल कार्बन साइकिल? 6 केजी होती है। 6 केजी मिनिमम? मिनिमम या मैक्सिमम? मैक्सिमम 6 केजी। उससे भी सस्ती आती है बिल्कुल, मतलब जितनी महंगी हो उतनी लाइट लाइट वेट हो जाती है। अच्छा अच्छा, कोई एक नया बंदा अगर है, उसको साइकिल लेनी है और उसको साइकिल चलानी है लेकिन उसने कभी चलाई नहीं है, तो उसको किस तरह की साइकिल लेनी चाहिए और उसको चलाने के लिए, सीखने के लिए उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर नया बंदा है तो उसको साइकिलिंग में आना है तो वो हमारे ख्याल से हाइब्रिड साइकिल ले, ताकि वो स्टार्ट करें, स्टार्टिंग वो हाइब्रिड साइकिल से करें, ताकि वो कुछ सीखे उनके साइकिलिंग के रूल और रेगुलेशन के बारे में, उनको रोड के मुताबिक के रोड पे हमें किस तरह चलानी है, तो वो सब कुछ समझे, उनके बाद वो हमारे प्रोफेशनल साइकिल रेसिंग की तरफ आए। प्रोफेशनल साइकिल और एवरेज साइकिल में क्या फ़र्क है? हैंडल का फ़र्क है, सीट का फ़र्क है, टायर का फ़र्क है, किस चीज़ का फ़र्क है? एवरेज साइकिल और प्रोफेशनल साइकिल में हैंडल बार का फ़र्क होता है, उनमें सीधी हैंडल लगती है और हमारे प्रोफेशनल साइकिल में वो इस तरह के ओलंपिक साइकिल लगती है। ओलंपिक स्टाइल के या स्टाइल के साइकिल हैंडल क्यों होते हैं? वो इस तरह होता है कि एरोडायनामिक बन जाता है, उसमें वो हवा को चीरने के लिए अच्छा। आपने झुकना पड़ता है सही। तो हवा आपसे ऊपर गुजर जाएगी अच्छा। आप उसमें एरोडायनामिक बनोगे, नीचे से पकड़ोगे तो हवा आपके ऊपर से चली जाएगी। प्रोफेशनल में इस पोजीशन में आते हैं ताकि जो हवा है वो क्रॉस हो, स्ट्रेट जो बेसिक साइकिल है वो सीधी होती है, तो हवा का जो है ना गुजर ज़्यादा नहीं होता, स्पीड ज़्यादा नहीं होता, तो इस वजह से प्रोफेशनल जो साइकिलिस्ट हैं उनके जो हैंडल्स हैं वो एरोडायनामिक होते हैं और उनको चलाने के लिए इस तरह करके चलाया जाता है ताकि हवा पास हो, स्पीड ज़्यादा। बिल्कुल ठीक। तो नया बंदा है, उसको साइकिल चलानी सीखनी है, बिगनर है, बिल्कुल बिगनर है,
उसने कभी चलाई नहीं है, तो आप हमें थोड़ा डेमो करके दिखाएं कि एक उस्ताद एक नए बंदे को किस तरह साइकिल के लिए उसकी साइजिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्मॉल कद का खिलाड़ी आ जाता है, प्लेयर आ जाता है, उसके लिए छोटी साइकिल होनी चाहिए, जो जिसके हाइट 5.10 या 6 होता है उनके लिए ऊंचे क्लास की साइकिल होनी चाहिए, ताकि साइकिल साइजिंग के ऊपर होगा तो वो बहुत अच्छी तरीके से उस पर राइड कर सकेगा। अब ये इससे हम बिठाते हैं उसको, बिगनर साइकिलिस्ट है, इसको हम दिखा रहे हैं कि आपको ये किस तरह जो है इसमें बैठ जाएगा और ये साइकिल किस तरह चलाएगा। इसके लिए पहले मैंने इसकी सीट नीचे की है कि कहीं ये गिर मिर जाए तो अपना पैर जो है ज़मीन पर रख सके। ये हमारा बिगनर साइकिलिस्ट है और इसके लिए मैंने सीट बिल्कुल नीचे की है, तो आप देख सकते हैं कि इसका एक पैर जो है ज़मीन पे है, ताकि ये कोई हादसे की शक्ल में अपने आप को बचा सके। ये इस तरह हम नए जो हमारे बिगनर साइकिलिस्ट होते हैं, ये हमारे नए जो साइकिलिस्ट होते हैं बिगनर होते हैं, तो हम इसे इस तरह के ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने इम्प्रूवमेंट में ले आए साइकिल को। ठीक है।